दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, किस तरीके से अगर आपकी नंबर सीरीज इस तरीके से दे दी जाए और पूछे माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा और दोस्तों प्रेशर क्या होगा। यानी कि एक वीडियो में हम चार टॉपिक सीखेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हम माध्य निकालेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन से हम चारों की चारों चीजें हम सीख लेंगे दोस्तों। कैसे सीखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों औसत निकालना आता है तो समझ लीजिए माध्य सीख गए। कैसे, यहाँ पर देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे मीन आपका है माध्य बराबर जो आपकी संख्या दी हुई है, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, औसत निकालते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं इस तरीके से। ऐड करने के बाद आप क्या करते हैं ये बताइए, बटा बनाते हैं, जितनी संख्या हमको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उससे भाग देते हैं। यही काम तो औसत निकालने में करते हैं। तो दोस्तों सेम वही काम करना है, कुछ अलग फलग नहीं करना है। माध्य का मतलब ही एक तरीके से दूसरा रूप औसत होता है, तो इस तरीके से हम औसत इसका निकाल लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 70 आएगा, 70/9। अगर कट रहा है तो काटेंगे, काट लीजिए, देखिए 9 7 63 और उसके बाद फिर आपका 7 आएगा 9 7 63, इस तरीके से 7.77 आता जाएगा। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, माध्य। अब निकालेंगे दोस्तों माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो आपकी ये संख्या दी गई है उनको घटते या बढ़ते क्रम में पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए कहीं बीच में 5 आ गया तो कहीं इस तरीके से, अगर बढ़ते घटते क्रम में दिया तो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। अगर नहीं दिया तो उसको पहले लिख लीजिए। जैसे पहले 5 है, कितना 5 है, 1 2 3 5 है, उसके बाद लिख लीजिए। अब 6 है, 6 लिख लीजिए। 7 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 8 भी नहीं दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 लिख लीजिए। 9 लिख लिए, उसके बाद अब 10 लिख लीजिए और उसके बाद 11। इस तरीके से आप माध्यिका निकालने के लिए पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 9 9 अंक है, 9 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम माध्यिका निकालने के लिए एकदम इजी है दोस्तों। माध्यिका भी माध्य से भी ज़्यादा इजी है। कैसे, अब यहाँ पर देखिए सारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 में 9 है तो क्या करेंगे, इधर से 4 गिन करके काट देंगे, इधर से 4 गिन करके काट देंगे। जो बीच वाला बचेगा दोस्तों 9, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब बात ये बनती है कि अगर 9 के बजाय 10 हो, यानी कि अगर सम संख्याएं हो तो क्या करेंगे, ये तो विषम थी तो एक निकल गई बीच वाली। अगर आपकी सम संख्याएं दी हो तब क्या करेंगे, यानी कि एक संख्या अगर यहाँ पे 12 और ऐड कर दें इसमें तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, यही काम करना है। इधर से 4 काट दिए और इधर से भी क्या करेंगे, 4 काट देंगे, बचेगी बीच में 2 संख्या, इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, उठा के जोड़ देंगे। तो ये वाला काम करेंगे, इन दोनों का माध्य निकाल देंगे। माध्य निकालेंगे तो 18/2 आएगा, फिर दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी 9 के बजाय यहाँ पे 10 आ जाए तो क्या करेंगे, तब भी यही काम करेंगे, 9 + 10 यानी कि 19/2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 9.5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सेम काम वही करेंगे, बस अगर ऑड और इवन के रूप में है तो एक संख्या मिलेगी या दो संख्या, एक संख्या मिली तो वही आंसर, दो मिली तो उसका एवरेज निकाल करके आंसर लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि ये पथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुलक निकालते हैं। देखिए बहुलक से ही पता चल जाता है बहुलता, यानी जिसकी अधिकता हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका नंबर है ये, ठीक। अब इसमें हमें देखना ये चीज़ है कि किस नंबर ज़्यादा बार रिपीट, यानी कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया है, बस बहुलक वही होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 1 बार 5 2 बार 5 3 बार, बाकी 6 1 बार 10 2 बार 9 2 बार 5 ही ऐसा है दोस्तों, यानी कि जो मोड़ हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया, यानी 5 सबसे ज़्यादा बार आया, यही आपका मोड़ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए आपका प्रेशर है रेंज। रेंज निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, रेंज से क्या पता चलता है कि किसी भी चीज़ की रेंज होती है कि नहीं होती है। तो रेंज क्या होती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक के बीच का हिस्सा एक रेंज होता है, ठीक है। यानी एक गोला इस तरीके से अगर सर्किल है, इसकी रेंज पूछेंगे तो यही आपको पर्दी वाला, ये पूरा रेंज होगा। या अगर मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर है रेंज पूछेंगे, तो यहाँ से लेकर के शुरू से लेकर के ये लाख तक का हिस्सा रेंज होगा। रेंज का मतलब एक छोर से दूसरा छोर, यानी कि किस सीमा तक ये फैला हुआ है, यही तो रेंज बताता है। उससे वही काम करना है, तो ये आपका नंबर देखना है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको भी करने के लिए क्या करते हैं, आप बढ़ते या घटते क्रम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर और सबसे छोटा वाला नंबर क्या करेंगे दोस्तों,
सबसे बड़ा वाला नंबर आपका 12 है, 12 है इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर, इस वाले में देखिए या उसी वाले में देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर दोस्तों 11 है। चलिए 11 आप उसी में देख लीजिए, सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें क्या है 11 है और सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 5 है। तो क्या करेंगे दोस्तों 11 में से 5 को हटा दीजिए, 6 आएगा, यही इसकी रेंज हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट मार्क्स बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।